वो देखो सामने से घनश्याम आ रहे हम पागल हैं पागल ही सही, हम दीवाने हमें मत रोको, ये दुनिया वाले क्या जाने हम किनसे मोहब्बत करते हैं। ठाकुर जी के जो पागल हैं आइए एक हाजिरी फिर लगाए। कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, भैया बैठ जाओ, इनको बिठा बैठा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। कई बार दर्शन करने ठाकुर जी के मैं आता था, हमारे वालिया भैया जी बैठे हैं बालिया जी, तो उनको कई बार कहा कि ठाकुर जी के श्री चरणों में हाजिरी लगानी है, लेकिन जब उनकी कृपा हुई, विनती तो कर दी थी तो कृपा भी हो गई। आइए एक बार सभी अपने अपने मन में जो भी कामना है ठाकुर जी से बोल दो। कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए। दोनों हाथ सीधे सीधे उठाकर सीधे सीधे, जैसे द्रौपदी जी ने ठाकुर जी के साथ एकदम आ गए थे, सीधे सीधे हाथ उठाकर बोलो। कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए। सीधे सीधे हाथ उठाकर बोलो। तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, जिसकी घरवाली का नाम था किशोर, चार बेटे थे उसके और नाम था किशोरी, इतना प्रेम था। बड़े हुए बेटे, शादी कर दी, वृद्धावस्था आ गई और इतना दोनों में प्रेम था, तो उसकी घरवाली स्वर्गवास हो गया, तो हर वेले हाँ किशोरी बोलता था। बच्चों ने समझा के हमारा बाप पागल हो गया है, तो मथुरा रोड पे रात को उसको छोड़ दो। तो उसका गरम उसको श्रीधाम बरसाना ले आया, उसका नाम, उसकी घरवाली का नाम किशोरी। बच्चों ने कहा कि पागल हो गया, तो उसका गरम उसको श्रीधाम बरसाना ले आया, तो वहां किसी को अजीब नहीं लगा, हाँ किशोरी। किसी संत ने कह दिया तेरी किशोरी गहवर वन में, तो पूरी वृद्धावस्था गहवर वन में बता दी हाँ किशोरी। एक दिन अर्धरात्रि के समय राधा रानी ने आवाज सुनी और उसकी विनती कबूल हुई। भाई ये बोलो, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए। जुगल सरकार हमारे आ रहे हैं, इस भजन को फिर कभी सुनाएंगे। वो देखो सामने से घनश्याम आ रहे, ये राधा के प्राण प्रीत
ठाकुर जी का दर्शन करते हुए वो देखो सामने से, वो देखो सामने से पहले फ्रेंड्स क्लब वाले आकर ठाकुर जी को फूल अर्पित करेंगे।